नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी के अपने परिवार परीक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर एक बार आप आरओ एआरओ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस समय न्यूज़ में चल रहा है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है 2020 के लिए, उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, उसका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके कट ऑफ क्या जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो जान नहीं रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पदों के लिए जो आपके एआरओ है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी जो ओ लेवल मांगता है और उसके साथ लिख दिया है समकक्ष, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। तो वो सब डाउट आज के वीडियो आप जब देखेंगे, ये मेनली आपका फोकस एलिजिबिलिटी पे ही है। इसके बाद से मेरी जो अगली वीडियो आएगी जिसमें आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं बताऊंगा, वहीं आपको मैं बता दूंगा कि आपको किस किताबों का सहारा लेना होगा और आपका कितना क्वेश्चन सही करते हो, किस पोर्शन से सही करते हो, तो आप आरओ का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं कि जो आपका लोक सेवा आयोग जो कराता है आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम, उसकी अर्हता क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपका यही होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हों, मतलब 33% मार्क्स आप ग्रेजुएशन में पाए हों, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी पोस्ट का अलग सोचो, पोस्ट के लिए जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर फॉर्म डालना है सबसे पहला चीज़ तो आप 33% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ आपको कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। और कुछ पोस्टें और होती हैं लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी के, जिसके लिए आप ग्रेजुएशन में अगर कोई अलग से किसी ट्रेड से किए हो, जैसे कॉमर्स से किए हो, अकाउंटेंसी से जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग अलग पोस्ट आता है विभागों में, तो वो उनका फायदा होता है, एक तरह से बोला जाए एडिशनल होता है वो, ठीक है। बाकी तो पोस्ट आपका होता है, एक सिंपल पोस्ट भी होता है कि एक सामान्य ग्रेजुएशन अगर कोई भी विद्यार्थी किया है तो वो भी समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट जो है आपका आता है और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो पहले हम पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे कि टोटल पोस्ट कितने होते हैं जो आपके लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले जाते हैं और कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। उसके आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है वो सब मैं जिक्र करूंगा। तो चलिए पहला आपका है, ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये देखिए ये विभाग का नाम है, यहां पदनाम आपको दिया गया है। तो इसमें टोटल आपका विभाग का नाम है, ये पहला लिखा है उत्तर प्रदेश जो सचिवालय है आपका, जो सेक्रेटरिएट है, वहां पोस्ट आपको कौन सी मिलती है, किस पे आपकी वैकेंसी आती है, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये 2017 का जो नोटिफिकेशन आया था उसी के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें इतने इतने पोस्ट आपके इसी के लिए आपके आए थे। देखो इसमें आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तो जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बोलोगे कि सर उसमें समीक्षा अधिकारी के पोस्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है, उसके तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया ही नहीं है। देखो नोटिफिकेशन में वो चीजें दी जाती हैं जो आपको अलग से हो, जिसके लिए अलग से अर्हता मांगता हो, वो पोस्ट आपको दी जाती है। तो जैसे यहां पर उसी पोस्ट का जिक्र है जो साधारण आपका समीक्षा अधिकारी का पोस्ट है, उसका इसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यही है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्रेड से अगर आप ग्रेजुएट हो तो समीक्षा अधिकारी, सहायक की नहीं बात कर रहा हूं, समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कुछ के लिए आपके अलग से अर्हता मांगता है वो देख लेते हैं। जैसे विभाग कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपका समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए, अकाउंट वाले के लिए आता है, जो कॉमर्स पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में उनके लिए होगा। अभी यहां पे दिखाएंगे आपको कि इसकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, ठीक है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा है ये, ध्यान रखना। और ये उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग में, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा क्रम के साथ वाणिज्य या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता होना चाहिए। मतलब आपको क्या होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ठीक।
तो अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड ट्रेड में हो, उसके समकक्ष हो, तो आप लेखा वाला फॉर्म जो है इसके लिए, लेखा वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो ये आठों आपके पोस्ट दिए रहेंगे, क्योंकि ये एसेंशियल आपका एक्स्ट्रा है, ठीक, अलग से आपको इसके लिए करना है। तो आप खुद देखोगे कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है, तो वहां आपको क्या करना होता है, आपको टिक करना होता है राइट वाला कि इस ऑप्शन के लिए हम एलिजिबल हैं, जैसे आप लोग पीसीएस में किए होंगे। उसके बाद से सेकंड बोला, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जो डोएक और नीलेट के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है वही मान्य करता है, बाकी और कोई ऐसा उल्टा सीधा सर्टिफिकेट ओ लेवल का आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सहायक के लिए होता है, ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी को भी साथ साथ अप्लाई कर रहे हो, वो तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, कि अगर आप लेखा के से क्या हो, ग्रेजुएट हो, और साथ ही साथ आपने ओ लेवल्स का सर्टिफिकेट आपके पास है डोएक का, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ओ लेवल किए हो तो, सहायक और का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों आप भर सकते हो। और आपसे बोलता है दूसरा आपका कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, इसमें साथ ही साथ आपका ये होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग आपका होगा ही होगा, तो 25 वर्ड एटलीस्ट हिंदी में आपसे मांगता है कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। दूसरा आपका जो विभाग है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, तो वो उत्तर प्रदेश सचिवालय ही है, सेम विभाग में, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सिंपल सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं चाहिए, जैसे उसमें आपका वाणिज्य चाहिए था, तो इसमें नहीं चाहिए, ये आपका सिंपल सहायक समीक्षा अधिकारी है। इस पोस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी माध्यम से आप किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, 33% मार्क्स पाकर आप पास हुए हो, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास डोएक का, ठीक है, डोएक सोसाइटी का आपके पास क्या हो, आपका ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, ठीक है, बाकी और कोई भी इररिलेवेंट चीजें नहीं आपको आयोग मानेगा। मैं अभी बताऊंगा कि ओ लेवल के समकक्ष यहां लिखा है, देखिएगा, लिखा ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अहर्ता होना चाहिए। तो यहां बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, देखो जो एआरओ का फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हो, जो सिंपल ग्रेजुएट के साथ अगर आपके पास नीलेट और डोएक का ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो। अच्छा, कुछ बच्चे यहां बोलते हैं कि सर हमारे पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं बीटेक हूं, बीटेक सीएस आईटी से हूं, ठीक है, चाहे ईसी से हूं, चाहे कोई भी ब्रांच हो आपका, बीटेक किए हो आप, ध्यान रखो, या एमसीए हूं, चाहे एमएससी हूं, जो भी होगा, एमसीए होगा, चाहे एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे एमटेक हो, चाहे बीटेक हो, ये जो भी हो, चाहे पीजीडीसीए हो, पीजी डीसीए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई और डिपार्टमेंट होता, क्योंकि नीलेट और आपका जो ओ लेवल वाले होते हैं, नीलेट जो संस्था है वो कहती है कि बीटेक सीएस और आईटी ब्रांच ओ लेवल के समकक्ष होता है, क्योंकि वो ओ लेवल से ऊपर होता है, तो जितने भी कोर्सेस ओ लेवल के ऊपर होते हैं उन्हें ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समीक्षा अधिकारी के लिए एप्लीकेबल हो, मैं अभी बता रहा हूं कि क्या हुआ था 2017 वाले में। तो बीटेक सीएस आईटी खासकर खाली सीएस और आईटी ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है और कोई ब्रांच नहीं माना जाता है। पीजीडीसीए, जो पीजीडीसीए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके क्या माने जाते हैं, ये भी ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये भी माने जाते हैं। एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, ये भी आपके ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं। जो एमसीए वाले होते हैं, एमएससी वाले होते हैं, ये सब ओ लेवल के समकक्ष होते हैं। लेकिन हुआ ये था कि जो 2017 का सब बच्चों ने अप्लाई तो कर दिया था, अप्लाई करने के बाद जिनके पास बीटेक था, जिनके पास एमसीए था, पीजीडीसीए था, सबने अप्लाई किया था, जब उनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया मेंस के बाद, तो आयोग ने क्या किया कि जिनके पास सिर्फ ओ लेवल का सर्टिफिकेट था डोएक के द्वारा, उनकी टाइपिंग लिया, बाकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, बाकी लोगों के लिए, जैसे जो पीजीडीसीए था, चाहे बीटेक ईसीआईटी था, सीएसआईटी था, चाहे एमसीए वाला स्टूडेंट था, चाहे एमएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था, इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके कारण बच्चे गया के आयोग के जो आपके जो सदस्य हैं उन लोगों से काफी बात किए हैं, उनसे
उन पर जो है बोलें कि ऐसा क्यों हुआ, हम लोग तो ओ लेवल से ज्यादा जो है आर्ता रखते हैं, उनसे ज्यादा पढ़ते हैं। अब देखिए उसमें आयोग का है, देखिए आयोग क्या करता है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है उसका, ठीक है। उन बच्चों ने काफी कुछ किया है, उस पर केस वोस भी चल रहा है शायद, सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है देखिए आने वाले में क्या समय में क्या चीजें होंगी, ये लोग एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो लोग एमसीए किए हो, एमएससी किए हो, बीटेक किए हो, सीएसआईटी से चाहे अदर भी ब्रांच से किए हो, तो आप लोग समीक्षा अधिकारी का जब फॉर्म आएगा तो आप लोग सहायक समीक्षा अधिकारी वाले पर भी टिक मार देना। मेंस लिखने के बाद नहीं ये प्रोसेस होगा। अगर आप पहले से ही सोच लोगे यार मैं भर नहीं सकता तो मैं नहीं भरूंगा, तब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ही नहीं। इसीलिए आप चाहे जो भी किसी भी उससे किए हो, आप ओ लेवल नहीं है आपके पास और आप कंप्यूटर से रिलेटेड बैकग्राउंड से हो, चाहे पीजीडीसीए किए हो, चाहे बीटेक किए हो, चाहे सीएसआईटी किए हो, चाहे इसी जो भी ब्रांच रहा हो, एमएससी हो, एमसीए हो, जो भी हो, आप सभी लोग जो है नोटिफिकेशन जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो आप लोग क्या करना, एआरओ वाले पर क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि जो प्रोसीड होगा वो आगे प्रोसीड होगा। हमें अभी मेंस प्री हो जाए, मेंस हो जाए, उसके बाद हमें झेलना होगा। जैसे इन बच्चों ने किया, कर दिए तो ठीक है, आप केस लड़ रहे हैं, हो सकता है कि बाय द वे गवर्नमेंट झुकी जाए और इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए पीजीडीसीए वाले का टाइपिंग हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी में से भलाई उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन कुछ पोस्ट हैं जिसमें पीजीडीसीए एप्लीकेबल था, वो कौन सा था मैं बता देता हूं। और ये चीज तो होनी चाहिए आपके पास, हिंदी टंकण, अगर टंकण नहीं अब तो सिस्टम पे हो रहा है, न्यूनतम 25 शब्द की आपकी गति होनी चाहिए, उसके बाद से अंग्रेजी टंकण अगर आपको आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सहायक समीक्षा के बारे में बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पोस्टिंग होती है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपके समीक्षा अधिकारी होते हैं उनके लिए तो सिंपल सा आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, बाकी और कोई अहर्ता नहीं होनी चाहिए। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपकी पोस्टिंग होती है, उसके लिए आप एप्लीकेबल कब होंगे, जब भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता, मतलब आप ग्रेजुएट हो, प्लस हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द की आपको स्पीड हो, प्लस आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो। समझ में आया? देखो अभी मैंने जब सहायक समीक्षा अधिकारी आपको बताया तो वहां यह लाइन नहीं लिखी थी कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, ठीक है। तो यहां इस वाले पोस्ट के लिए आपका सहायक समीक्षा वाले के लिए पीजीडीसीए, यहां पे पीजीडीसीए वाले को एप्लीकेबल है, यहां अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी होगा, इसके लिए आप पीजीडीसीए वाले एप्लीकेबल हो गए। तो जब आपको ये पोस्ट वहां फॉर्म फिल करते समय आएगा तो सब दिखाएगा, तो आपको इन सब पे टिक मारना होगा। तो आप जब टिक मारोगे तो जो पीजीडीसीए किया है वो वहां नहीं उसके टाइपिंग का नहीं अप्लाई कर पाएगा, तो लेकिन इसकी टाइपिंग दे पाएगा, ठीक है। तो यहां पीजीडीसीए वाले अप्लाई होंगे, यहां ओ लेवल वाले भी अप्लाई जो होंगे वो भी दे सकते हैं। तो यहां ओ लेवल जो नीलेट और डोएक से किए हैं वो भी आपके एप्लीकेबल हैं, और जो पीजीडीसीए किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त वो भी एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट के लिए, बाकी आपके सचिवालय के पोस्ट के लिए नहीं होगा। नोट ये तो आपको जानते हो, अंग्रेजी वाले को आपको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जो अंग्रेजी की टाइपिंग जानता हो। अब उसके बाद से आपका कौन सा होता है, किसमें होता है, आपका राजस्व परिषद में होता है। राजस्व परिषद में राजस्व विभाग में समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है। मैं जब प्रोफाइल जब बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। भारत के विधि द्वारा स्थापित आपको सिंपल सा बात है कि आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यह भी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है, मतलब एआरओ के लिए है, सब एआरओ के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आरओ सब में जो आरओ बनेगा ना उसके लिए तो सिंपल ग्रेजुएट होगा, एक सिर्फ लेखा वाले को छोड़ के, जो सेक्रेटरिएट में लेखा होता है उसको छोड़ के, आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएट कोई अहर्ता नहीं। लेकिन एआरओ के लिए आपका क्या चाहिए, एआरओ के लिए आपको ग्रेजुएट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ देखिए डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए,
यहाँ वो डिप्लोमा नहीं लिखा, यहाँ डिप्लोमा नहीं लिखा तो यहाँ भैया कोई एलिजिबल नहीं हो गए, यहाँ से बाहर कर देंगे बीटेक वालों को, पीजीडीसीए वालों को, ठीक है, सबको यहाँ से बाहर कर देंगे। इसकी टाइपिंग आपको, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा, इसमें इसके लिए आपकी टाइपिंग नहीं बनाएंगे वो लोग, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अप्लाई सब में करना, जब एक पोस्ट के लिए पीजीडीसी वाले को लिया जा रहा है तो आगे चल के ये हो सकता है कि बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमटेक, ये सब एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो अप्लाई सभी लोग कर देना। उसके बाद से आपका बोला है कि हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द की न्यूनतम आपकी गति होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। आगे अगला जो पोस्ट है आपका कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी का है, निर्वाचन आयोग में आपका ये पोस्टिंग होती है, उसमें भी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है। आरओ के लिए तो मैंने बता दिया, आरओ सिंपल ग्रेजुएट भाई साहब, सिर्फ लेखा वाला छोड़ के सेक्रेटरिएट में, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्टिंग एआरओ में क्या एलिजिबिलिटी है जान लो, इसमें भी आपको सेम है, ग्रेजुएट तो आपका सिंपल है, ओ लेवल ही होना चाहिए। देखो इसमें भी डिप्लोमा नहीं लिखा, इसका मतलब जो डोएक के द्वारा, जो डोएक सोसाइटी द्वारा, चाहे नीलेट द्वारा ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को आयोग मानता है, भला ही यहां लिखा है इसके समकक्ष अहर्ता। तो ये मैं बोलना कि सर आप गलत बोल रहे हैं, यहां लिखा है समकक्ष अहर्ता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि 2017 में बच्चों के साथ जो हुआ है वो बता रहा हूं, ठीक है। वो ओ लेवल के समकक्ष कई डिग्रियां होती हैं, आपके बीटेक की डिग्री होती है ओ लेवल के समकक्ष, ए लेवल, बी लेवल, ये सब उसके ऊपर होते हैं, तो ये सब समकक्ष होता है, पीजीडीसीए समकक्ष होता है। लेकिन आयोग ने पीजीडीसीए वाले, बीटेक सीएसआईटी वाले, जो है एमएससी वाले और आपके एमसीए वाले, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो बच्चे अभी भी आयोग से जो है प्रश्न जवाब कर रहे हैं, देखते हैं उनका क्या क्लियरेंस होता है, वो आपको मैं जल्दी नोटिस मैं बताऊंगा कि अगर कुछ ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों से मैं यही बोलूंगा, अगर फॉर्म आता है आपके पास, अगर एमसीए, पीजीडीसीए या बीटेक सीएसआईटी हो, तो आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, जहां पे आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ सेम है, हिंदी की स्पीड आपकी वही चाहिए। छठवां जो है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, फिर से आ जाइए, लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा क्रम सहित वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, यह ध्यान रखिए। कुछ आपका वाणिज्य के लिए है, सहायक समीक्षा अधिकारी आपको अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में करना है तो आपको विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में किसमें होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आपका एक सहायक समीक्षा अधिकारी है तो आपको ओ लेवल वाला भी मान्य होना चाहिए, ओ लेवल भी आपके पास होना चाहिए। आ जाओ उसके बाद से फिर से उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में आ जाओ तो यहां समीक्षा अधिकारी लिखा है, ध्यान देना, यहां समीक्षा अधिकारी लिखा है, मतलब आरओ लिखा है सचिवालय में आरओ के लिए। ये अलग से होगा, ये आरओ ऐसे होंगे जिनको अलग अहर्ता चाहिए, अलग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। वो कौन से हैं, देखो यहां आपको क्या चाहिए कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय में विधि द्वारा जो स्थापित है, गवर्नमेंट का जो संस्था है, उसमें अगर आप हिंदी साहित्य, ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ अगर स्नातक किए हैं आप, ठीक है, या उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त आपका कोर्स है, ग्रेजुएट हो, जो हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के समकक्ष हो, अगर इनमें से आपने ग्रेजुएट किया है, चाहे हिंदी साहित्य से किया हो चाहे संस्कृत साहित्य से किया हो, तब आपको एक पोस्ट आपको इसके लिए भी निकलती है उत्तर प्रदेश सचिवालय में, वो आरओ की समीक्षा अधिकारी के लिए। तो उसमें आपको अगर आप इनके साथ हो तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हो, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किया है चाहे संस्कृत साहित्य से किया है, तो आप क्या करोगे, आप उस वाले कॉलम में टिक मार दोगे जो समीक्षा अधिकारी किसके लिए है, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी, जिसके लिए आपको ये, आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। ये फॉर्म भरते समय आपसे सब आठों पोस्ट लिखे रहेंगे और उसके आगे आपको टिक लगाना होगा कि किसमें आप एलिजिबल हो और किसमें नहीं एलिजिबल हो। आठवां है लास्ट वाला, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी उर्दू लिखा है, समीक्षा अधिकारी उर्दू, ये भी आपका क्या है, एक्स्ट्रा पोस्ट है जो अलग से पोस्ट होती है, वो सिंपल वाला आरओ नहीं है समीक्षा अधिकारी, ये आपके समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए है। इनके लिए क्या होना चाहिए भैया, देखो साफ साफ जब लिखा है तो विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्सियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से एक विषय में के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता, समझ गए,
कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपके ग्रेजुएशन में या तो उर्दू का सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो पर्सियन का साहित्य होना चाहिए, या अरबी साहित्य होना चाहिए, या उर्दू साहित्य होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्या लिखा, परंतु यह कि ऐसे मामले में जहां अभ्यर्थी ना जामिया उर्दू अलीगढ़ की अधीन एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह उर्दू साहित्य पर्सियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा ना होगी। ठीक है, इसका मतलब यह बोला है कि आपने अगर किसकी जामिया उर्दू अलीगढ़ की अगर यह परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है और वहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां आपसे उस विश्वविद्यालय से आपको यह वाला जो होगा नहीं अपेक्षा रखा जाएगा। उसके लिए जो आपने अप्लाई किया है इस कोर्स के लिए आदिब कामिल परीक्षा के लिए, वही आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट में उसके लिए ये चीजें हो गई आपकी। तो सिंपल सा मैं बता दूं आपको कि जो लोग सिंपल में आप सोच रहे हो कि आरओ के लिए जो आपके कई पोस्ट होते हैं जिनका इनमें जिक्र नहीं है, वो कहां कहां होता है, इन्हीं इन्हीं डिपार्टमेंट में सिंपल आरओ होते हैं, चाहे आपके कार्यालय निर्वाचन आयोग में होगा और आपका लोक सेवा आयोग में और सचिवालय में, तो उनके लिए तो सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। लेकिन जो एआरओ होंगे उनके लिए आपके ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल चाहिए। ठीक, और एक पोस्ट में आपका क्या मांगा था, डिप्लोमा मांगा था, वहां पीजीडीसी एप्लीकेबल होंगे। वो कौन सा था, यहां देखो, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर समीक्षा अधिकारी बनना है, यूपी पीसीएस वाले जो आयोग है उसमें अगर आपको क्या बनना है, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, तो इसमें पीजीडीसीए मतलब डिप्लोमा भी चलेगा। तो इस पोस्ट पे अगर आप टिक मारे हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा अगर आप पीजीडीसीए हो तो। और जो आपके मेन है कि और क्या क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी में वो देख लो, ये सब तो एजुकेशनल था। अब उम्र पे आते हैं, उम्र की तो कोई सीमा नहीं है भाई साहब इसमें, यूपी पीसीएस आप जानते ही हो। तो आयु सीमा की हम बात कर लें तो मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि अगर फॉर्म इधर के समय में आता है, अक्टूबर में आपका चल ही रहा है, ठीक है, अक्टूबर या लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका अगर फॉर्म आता है तो आपसे जुलाई को ही पूछेगा, मतलब 1 जुलाई तक आप क्या हो, 40 वर्ष से आप अगर कम हो 1 जुलाई तक, तो आप यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ के लिए एलिजिबल हो। तो एज क्या होनी चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, एज आपकी 21 से 40 होना चाहिए। ठीक है, 21 की उम्र आपने पूरा कर लिया हो और 40 से अगर कम है तो 21 से 40 आपका एज लिया जाएगा यहां पे। एज के बाद हम थोड़ा एज रिलैक्सेशन पे बात कर लें। बच्चे कई लोग होते हैं जो आपके खिलाड़ी होते हैं चाहे किसी और ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिलता है वो ध्यान रखिए। जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन में आपको मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, बाकी और किसी को किसी और अदर प्रदेश के अगर भरते हैं लोग यहां पे आरओ और एआरओ की परीक्षा देते हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी आपका जो कोटा होगा रिलैक्सेशन वाला एज का, वो उनके लिए नहीं होगा, वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एज रिलैक्सेशन अगर आप यूपी के एससी एसटी या ओबीसी हो तो आपको 5 वर्ष का जो होगा 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 से आप 45 साल का हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप क्या हो, यूपी के पीएच कैंडिडेट हो, आपके पास पीएच का सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप हो, तो आपको 15 साल का जो है क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन। अपर एज में जो अपर लिमिट होती है, अपर एज लिमिट में ये आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो अपर एज में 15 साल का मिलेगा। इसका मतलब आप कितना हो जाओगे, 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप पीएच हो तो। ठीक है, यह ध्यान रखो। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखो, कुछ लोग जो हैं वर्किंग होते हैं, अगर आप यूपी गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम आप बोलो गवर्नमेंट संस्था में हो, यूपी के किस संस्था में, आपको यहां पे पूरा लिखा गया है, आप देख सकते हो। बेसिक शिक्षा में अगर हो या माध्यमिक शिक्षा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी उसमें आप कर्मचारी हो, ठीक है, या गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक शिक्षा जो है आपका स्कूल होते हैं उनमें अगर आप कर्मचारी हो, जहां से आपको गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी प्रोवाइड होती है, उन सब के अगर आप कर्मचारी हो तभी भी आपको कितना, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 ईयर का
एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर पे, ठीक है। तो इसलिए जो भी अगर प्राइमरी के मास्टर हो, चाहे माध्यमिक के हो, चाहे आप गवर्नमेंट एडेड में आप मास्टर हो, जैसे कई लोगों की गवर्नमेंट एडेड जो होते हैं विद्यालय होते हैं वहां पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। अगर वहां के आप मास्टर अगर आप भरना चाहते हो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आप 45 साल तक, इसे अपर एज लिमिट आपकी 45 साल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, स्टेट लेवल के खिलाड़ी हो, स्टेट लेवल के अगर आप प्लेयर हो, ठीक है, तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में। 5 साल का एज आपका क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हो आपके स्पोर्ट का, प्लेयर का, स्टेट लेवल के होने का, तो आपको क्या मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम आपका एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और ये जो आपके रिलैक्सेशन वाले हैं जो वो देख लेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जो एक्स सर्विसमैन है जो आर्मी में काम कर चुके हैं, ठीक है, और भी जगह जो गवर्नमेंट में आपके जो काम कर चुके हैं, उन्होंने अगर आपके 5 साल सर्विस में बिताया है, 5 साल सर्विस के बाद वो अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं और चाहते हैं इधर आने के लिए, तो उन्हें भी 5 साल की क्या है, छूट है, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक। मगर 5 साल का आपका क्या होना चाहिए, उधर आप 5 साल जहां जिस डिपार्टमेंट में रहे हो एटलीस्ट 5 साल आपने पूरा किया हो, तो ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है। तो ये आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आरओ यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ के लिए, ये मैंने बता दिया। तो अब कंफ्यूज ना होना कि सर मैं मतलब कंप्यूटर साइंस बीटेक हूं, चाहे मैं एमसीए हूं, चाहे एमएससी हूं कंप्यूटर साइंस से, तो क्या मैं एआरओ अप्लाई कर सकता हूं। तो साफ शब्दों में मैं ये बोल रहा हूं, सभी लोग जब भी फॉर्म आए धड़क्के से एकदम अप्लाई करना, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, जितने भी लोग हो, चाहे आरओ चाहे एआरओ, ठीक है। जिनके पास है ही नहीं वो लेवल, तो वो तो भाई अपना पहले से ही जानते हो कि मेरे पास जब ओ लेवल से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, चाहे समकक्ष में नहीं हो, तो मैं सिपारो के लिए अप्लाई करूंगा। और जो पोस्ट आपको इसमें मैंने 8 बताया, उसके लिए आप अगर आप कॉमर्स पढ़े हो, वाणिज्य पढ़े हो, तो उसके लिए आप अप्लाई कर देना, उर्दू पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो, तो उसके लिए अप्लाई कर देना। लेकिन जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आप लोग बीटेक किए हो चाहे डिप्लोमा किए हो, तो आप लोग एक बार क्या करना, अप्लाई करना दोनों पोस्ट के लिए, आरओ और एआरओ के लिए, क्योंकि जब मेंस के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो जब वहां आपके साथ जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपसे पहला मेरे यही गुजारिश है कि जो कंफ्यूज मत होना, बार बार यही चीज पूछना मत कि सर क्या हम लोग एप्लीकेबल हैं कि नहीं हो। अभी तक तो मैंने जो आपको रिसेंट में न्यूज है, कई जगह आपको ये मिलेगा कि पीजीडीसीए बीटेक सीएसआईटी एमसीए एमएससी ये सब एलिजिबल होते हैं। लेकिन 2017 में आयोग ने जो आपके साथ किया है, बच्चों से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने ये बता रहा हूं कि उनको क्या किया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, और वो बच्चे अभी भी आयोग से जो क्या कर रहे हैं, मुकदमे के थ्रू जो है सवाल जवाब कर रहे हैं, देखिए कब ये क्लियर होता है। लेकिन आप लोग जो करिएगा कि अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, अगली वीडियो जो होगी वो आपके सिलेबस और पैटर्न पे होगा। धन्यवाद।